Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. मैं अक्सर सोचता हूं, why do I cook? Is it because I'm a chef? Or is it to feed people? या मैं किसी ऐसे जायके की तलाश में हूं जो मुझे अभी मिला नहीं? It's not that. खाना मेरे लिए एक जरिया है जुड़ने का, लोगों से, जमीन से और अपने आप से. खाना मुझे जोड़ता है पुरानी यादों से और नए रिश्तों से. मैं ठहरना चाहता हूं ताकि अपनी रसोई को, अपनी कुकिंग को थोड़ा वक्त दे सकूं और इस 20 साल पुराने रिश्ते को एक बार फिर ताजा कर सकूं. आफ्टर ऑल आई एम बिकॉज आई कुक. पुराने रिश्ते, पुराने नुस्खे और मेरी रसोई. राजा रसोई और अंदाज अनोखा. गोवा में इतने साल रहने के बाद एक चीज तो पक्की हो जाती कि गोवा का कल्चर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है. यू नो देयर इज ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, उसके बाद मुस्लिम इन्फ्लुएंस है, पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस है. 3 साल के लिए ब्रिटिशर्स भी गोवा पे राज करके गए और ऑब्वियसली कैथोलिक और मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस तो इतने सारे हैं. एज अ शेफ मुझे लगता है कि एक 17-course मेन्यू मैं आराम से बना सकता हूँ जिसमें कि हम गोवा को हिस्टोरिकली बैकवर्ड्स देख सकें. एवरी कोर्स कैन बी अ विंडो इनटू गोवाज हिस्ट्री. You know, there's the Goan food as we know it. जैसे वो fish curry rice, pork vindaloo और वो सारी recipes जो हमें Goan लगती हैं, जो Goan हैं, उसके लिए तो बहुत सारे restaurants हैं गोवा में. लेकिन एक किस्म का Goan खाना है जो actually सबसे पुराना Goan खाना है, which is the Goan Saraswat Brahmin food. Now that is not available in any restaurant. और उसके लिए किसी Goan Saraswat Brahmin food में joint family के साथ एक बड़े से table पे बैठ के खाने का ही मजा है. या फिर ये किताब हो जो मेरे पास पिछले 7 साल से, मेरा जब भी मन करता है ना, मैं इसमें से एक दो रेसिपी बनाता हूँ एंड आई फील एट होम. आई ऑलवेज यूज टू वंडर कि भाई ये किताब जिसने लिखी होगी कितनी मेहनत की होगी, वो भी आज से 17 साल पहले. फॉर्चुनेटली उनकी फोटो जो है वो किताब के पीछे, और उस फोटो से मिलता जुलता एक चेहरा मेरे को मिल गया व्हेन आई वाज बाइंग सम फिश. सो मिसेस सारदेसाई मिली और मैंने कहा यू नो व्हाट, आई थिंक ये किताब आपने लिखी है. उन्होंने कहा हाँ. मैंने कहा आपको घर पे आना पड़ेगा, खाना मैं बनाऊंगा, आपको खाना पड़ेगा, कुछ अगर आप चाहें तो बना सकते हैं. And she agreed. And here we are. आज अपन बनाएंगे गोवन सरस्वत खाना. अच्छा. उसके लिए अपने को चाहिए बहुत सारा कसा हुआ नारियल. अच्छा नारियल, एकदम सफेद सफेद भाग, ब्राउन वाला पार्ट नहीं होना चाहिए. तब तक मैं शुरू करता हूँ अपना प्लांटेन हलवा. अरे भैया अंग्रेजी में बोल देने से फल थोड़ी ना बदल जाएगा. आप नारियल छील के लाइए. चलिए छोड़िए, नारियल आप कस के लाइए उसको. भैया आप आज किताब देख के खाना बनाएंगे. मन्नू भाई इतने सालों से मोयरा में रह रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि मोयरा का एक स्पेशल बनाना होता है. गोवा में एक्चुअली 14 वैरायटीज ऑफ बनानाज या प्लांटेन्स होते हैं, और बिकॉज पोर्चुगीज हैड एक्सेस टू अफ्रीका और साउथ अमेरिका, वहाँ से बहुत सारी बनानाज की प्रजाति और बहुत सारे फ्रूट्स एक्चुअली गोवा लेके आए. इस बनाना की जो खूबी है वो ये है कि इट्स पल्पी, लेकिन जो एक्सटीरियर है वो बहुत फर्म है. इसको अगर खोल के देखूं तो इसमें छोटे छोटे बीज, तो एक चरपराहट, नटीनेस विच इज वेरी टिपिकल टू मोयरा बनानास, वो इसमें आएगी इन्हीं बीजों की वजह से. तो यहाँ पे प्लांटेन को स्लाइस करके छोड़ना पड़ेगा. सिर्फ शक्कर डालूंगा और छोड़ दूंगा कम से कम 2 से 2.5 घंटे. एक्चुअली अगर ओवरनाइट मिल जाए तो ओवरनाइट तो बेस्ट है. ऑलराइट, डाल देता हूं शक्कर. बनाना के ऊपर शक्कर लगा के और शक्कर से बनाना को गलाना है. ओके जी, अब ब्रेड फ्रूट की कहानी कुछ ये है कि कहते हैं शुरुआत हुई कहीं अफ्रीका से, और उसके बाद कॉलोनाइजेशन के साथ जगह 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 पहुंच गया. 1603 से लेकर 1612 के बीच में गोवा में फैमिन पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था और बहुत बुरे हाल थे. तो ऐसे फल फ्रूट ढूंढे गए जो कि
एक तो साइज में बड़े हों ताकि एक बड़े फ्रूट से बहुत सारे लोगों का पेट भर जाए, और दूसरा जो आसानी से उग जाए, और ब्रेड फ्रूट उसमें सबसे आगे था। कारण ये कि ब्रेड फ्रूट इज अ स्टर्डी ट्री, बहुत जल्दी जल्दी उगता है और एक साल में लगभग 200 फ्रूट देता है एक पेड़। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक अंदर से, और ये मैश जो है ना ये बड़ा होता रहता है, ये जो अंदर का जाला है ये बड़ा होता रहता है, और एक टाइम बाद पकने के बाद जब इसको काटते हैं तो जैसे ब्रेड दिखती है ना वैसे ये ब्रेड जैसा दिखता है, और कहते हैं खुशबू भी इसकी रोस्टेड ब्रेड की तरह हो जाती है पकने के बाद। बहुत सारे जहां ब्रेड फ्रूट के पेड़ होते हैं ना तो ऐसा लगता है दैट यू ट्रैवलिंग थ्रू अ बेकरी। एक्चुअली इट्स अ फैक्ट, गोवा इज ब्लेस्ड, एक तो इसलिए क्योंकि एक तरफ अमेजिंग सी है जहां पे बढ़िया से बढ़िया मच्छी मिलती है, दूसरी तरफ फुटहिल्स हैं जहां पे स्पाइस ग्रो करता है, और तीसरी तरफ बीच में कहीं प्लेन्स हैं जहाँ पे अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, और इतनी जो डाइवर्सिटी है उसको अच्छे से यूज़ किया पोर्चुगीज ने और सही समय पर सही चीज़ इंट्रोड्यूस करी यहाँ के इकोसिस्टम में। तो अब इसमें साबुत धनिया डाल के भून लेता हूँ। हम लोग छोटे होते धनिया को जो है फूल तोड़ के ले आते थे घर पे, या सौंफ के फूल तोड़ के ले आते थे, और बीजी जो उनको लेती थी और चॉप करके हाथ से तोड़ के जो भी सैलड बन रहा होता था घर में उसके अंदर डाल देती थी, एंड दे यूज्ड टू टेस्ट सो डिवाइन। इस धनिये का कोई मुकाबला नहीं है। तो एक मसाले का मिक्सचर बनाता हूं, धनिया और हल्दी मिर्ची, मामला सेट। ओरिजिन ऑफ सारस्वत ब्राह्मण्स की ये है कि जब अकाल पड़ा तो सब लोग बिजी हो गए अपने अपने काम छोड़ के खाने का तरीका ढूंढने में, और सारस्वत ब्राह्मण्स भी वेद और पुराण का ज्ञान छोड़कर कोई खेती करने लग गया, कोई कुछ और करने लग गया, और एक समय बाद उन्होंने रियलाइज किया कि उनके पास ज्ञान खत्म हो गया। उन्होंने माँ सरस्वती से वापस प्रार्थना की कि हमें अब अकाल दूर हो चुका है, हमें हमारा ज्ञान वापस चाहिए। तो माँ सरस्वती ने ये कहा कि बस आपको सिर्फ सुनना है और आवाज़ आपको ज्ञान तक ले जाए। तो उन्होंने चलना शुरू किया, एक आवाज़ आई मंत्रोच्चारण की, और उस मंत्रोच्चारण की आवाज़ को उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, चलना शुरू किया, और देखा एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर मंत्रोच्चारण कर रहा। तो माँ सरस्वती ने बोला कि ये सारस्वत है, ये मेरा पुत्र है, और इसने अकाल के समय पूरे वेद पढ़े हैं, मुझसे पढ़े हैं। हाँ, अकाल के समय जिंदा रहने के लिए इसने मछली जरूर खाई है, लेकिन उसकी वजह से ही इज नो लेस ऑफ अ ब्राह्मण दैट यू आर। मुनि सारस्वत, ऋषि सारस्वत से वापस से पुराण का वेद का ज्ञान लिया, और वहां से सारस्वत ब्राह्मण समुदाय की शुरुआत हुई। अभी कुछ नहीं करना, अब बस ब्रेड फ्रूट को मसाले में लपेटना है, मसाले में लपेट के थोड़ी देर छोड़ना है ताकि नमक अपना एक्शन शुरू करे। आजकल जो हम रवा फ्राई फिश, रवा फ्राई ब्रेड फ्रूट और रवा फ्राइड चीजें देखते हैं गोवा में, वो एक्चुअली नहीं, पुरानी रेसिपीज में चावल का आटा इस्तेमाल होता था। मसाला रखता हूं साइड में, और चावल का आटा एक साइड पे, गैस जला ली, पैन पे डाल दिया ऑयल, चावल का आटा, अभी जो नीचे वाले ना उनको पहले लेता हूं क्योंकि ऑलरेडी नमक छोड़ दिया हुआ उन्होंने, मसाला चिपक। नाइस, लुक एट दिस, सी द डिफरेंस, लाइटली कोटेड इन राइस फ्लावर। राइस फ्लावर का इस्तेमाल सिर्फ गोवा में नहीं बल्कि पूरे कोंकण रीजन में है, और ये भी कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा रिलीजियस ऑपरेशन हुआ तो बहुत सारे सारस्वत ब्राह्मण फैमिलीज सल्तनत टाइम में ही गोवा छोड़ के चले गए और पूरे कोंकण रीजन में जाके बस गए, और इसलिए बहुत सारी कोंकण रीजन की जो प्रैक्टिसेस हैं खाने की वो कहीं ना कहीं GSB खाने से ही आती हैं। GSB यानी गौर सारस्वत ब्राह्मण। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वैसे तो बहुत कुछ दिया, आज का मॉडर्न एज ओज अ लॉट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन मैं जब किचन में आता ना मुझे लगता है यार पहले ठीक था,
इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से प्रोसेस्ड फूड आया, आई डोंट नो इफ यू रियली वांट दैट. और वो स्टील के बर्तन और मॉडर्न नॉनस्टिक कुकवेयर जो मर्जी कह ले, लेकिन ये कांसे तांबे और कास्ट आयन के बर्तन में जो खाने का स्वाद है ना, वो स्टील में नहीं आ सकता. गार्निश के लिए ग्रीन चिली और रेड चिली, एंड डन. डिश नंबर एक तैयार, फ्राइड ब्रेड फ्रूट. डिश नंबर टू, तोड़क. दिस वन ऑफ दोज रेसिपीज जो बड़ी सिंपल लगती है लेकिन सिंपल होती नहीं है. ओके, सबसे पहले पानी, पानी में पोटेटोज और ये सोक्ड व्हाइट पीस, वटाना, सूखे मटर, इसको ओवरनाइट सोक किया हुआ है, इसको बॉईल करना है. साथ में डालने हैं आलू. आलू करता हूं डाइस. पीलिंग नॉट नेसेसरी एट ऑल, अच्छे से धो लूंगा बस एक बार. ओके, पानी मेरे पास रेडी है, पानी में डालता हूं वटाना सोक किया हुआ. एक्चुअली अगर गोन सारस्वत खाने की बात करें ना, तो एक डिश जो है वो वाकई एक्चुअली फेमस हो गई है अनलाइक अदर डिशेस, और वो है हुमण. हुमण इज द एंसेस्टर ऑफ द फेमस गोवन फिश करी. खटाई के लिए या तो इमली, जो कि बिल्कुल हिंदुस्तानी है, उसका इस्तेमाल होता है, और या फिर अगर सीजन में कच्चा आम मिल जाए, कैरी मिल जाए, तो उसका इस्तेमाल होता है. हुमण इज एक्चुअली द ओरिजिनल गोवन फिश करी. इसके अंदर ड्राई रोस्ट करता हूं मसाले. ये धनिया, सो रेड चिली एंड कोरिएंडर. अरब चिलीज, गोवा की वो फेमस बटन चिली होती है, बिल्कुल छोटी छोटी होती है, गावटी मिर्ची बोलते हैं, बटन चिली बोलते हैं. अभी यहाँ पे सूखी नहीं है इसलिए मैं डाल नहीं सकता, बट वो बटन चिली ऐसी होती है, जितनी छोटी उतनी तीखी. चलो, चिलीज आर डन. ऑलराइट, तो ये तो हो गया पार्ट नंबर एक मसाले का, इस पे ढक्कन दे देता हूं. पार्ट नंबर दो के लिए सबसे पहले ऑयल थोड़ा सा. बेसिकली तीन स्टेप की रेसिपी है. पहले स्टेप में प्याज के साथ आलू और मटर को उबाल लिया, दूसरे स्टेप में ड्राई रोस्ट करे स्पाइसेस, चिली और कोरिएंडर, तीसरे स्टेप में सॉटे किया कोकोनट के साथ अलग अलग स्पाइसेस को, और बस बाद में सब कुछ मिला देंगे और उबाल देंगे. बन गया थोड़ा. साथ में गार्लिक डाल देता हूं, तीन चार गार्लिक के क्लोव्स. अनियन हो गए ब्राउन, इसमें डालता हूं थोड़ी काली मिर्च. गोवा का खाना है और काली मिर्च ना जाए, इम्पॉसिबल. ये क्या, ग्रेटेड कोकोनट. इसको भी साथ में ब्राउन कर लेता हूं, सब कुछ नाइस एंड टोस्टेड ब्राउन. तेल शुरू में इसीलिए कम डाला था बिकॉज बाद में नारियल अपना तेल छोड़ेगा ही, उसमें चीज और भुनेगी. Done. अब लास्ट में सिर्फ लौंग रह गया, और लौंग लास्ट में डालना है ताकि खुशबू बनी रहे. पांच छह लौंग. Nice. क्या कर रहे हैं भैया?
खाना बना रहे मन्नू भाई किचन में क्या करेंगे और कथक तो नहीं सीखेंगे। नहीं नहीं नहीं, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी भैया कि सोचे कि हाँ जूलियट आंटी के लिए थोड़ा सा पूरा डाल रहे हैं। क्या 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 डाल रहे हैं सब अभी यार? अच्छा ठीक भाई, मन्नू भाई पीछे इमली है। हाँ हाँ हाँ, रुकिए क्या डाल रहे हैं, हो जाएगा। पीछे से इमली डालिए, पेस्ट करके ले आइए। पानी थोड़ा कम डालिए, ज्यादा पानी डालते हैं भर भर पेस्ट में। तो बेसिकली पेस्ट के लिए रोस्टेड कोकोनट, अनियन, गार्लिक, ब्लैक पेपर और लास्ट में क्लोव्स, थोड़ी सी हल्दी और पहले जो भुनी थी हमने लाल मिर्च और कोरिएंडर वो, और थोड़ी इमली। पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट को यहाँ पे उबलती हुई सब्जियों के साथ डाल देंगे। भैया ये लीजिए, हमको लगा आप नाराज हो गए हैं। क्यों? सब मिर्च मसाला में सब सामान डाल दियो, तो क्या पता था कि अभी अधूरा बना है। जाएं हम? नहीं, चाय पकौड़े दें क्या? अरे जाइए ना, काम करिए, हमें करने दीजिए। शार्पनेस लौंग की, उसके बाद धीरे 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 कोकोनट का फ्लेवर आता है, उसके बाद फिर प्याज की मिठास आती है सूंघने में, उसके बाद काली मिर्च की वो जो स्ट्रिंजेंसी होती है दैट जस्ट शाइन्स थ्रू। तो यहाँ पे इसको बॉईल होने देता हूँ 5 से 10 मिनट। दूसरी तरफ उसी तोड़क में डालता हूँ श्रिम्प। श्रिम्प में हल्का सा नमक लगाया, एक तो वेज तोड़क रेडी है ही है, दूसरा एक श्रिम्प तोड़क भी रेडी कर लेता हूँ। चलो जी, ये मैरिनेट करी हुई श्रिम्प। बस इसको थोड़ा पकने देता हूँ, लगभग 10-1 मिनट। धीरे 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 सिमर होगा, कोकोनट का ऑयल ऊपर आएगा और तोड़क तैयार। श्रिम्प तो डाल दिया, एक्चुअली ये था कि भाई बेस तो रेडी किया, अब अपनी स्किल्स को ट्राई करने के लिए एक श्रिम्प तोड़क भी बना लेता हूँ ना, इसलिए मैंने 2 में स्प्लिट किया और एक के अंदर डाल दी श्रिम्प। कोकोनट ग्रेवी जो है ना, वो समय के साथ साथ अपना तेल छोड़ती है, अपना रंग छोड़ती है, अपना फ्लेवर छोड़ती है और मच्योर होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। 15 मिनट में कितना फर्क आ गया। अब अगर आलू नहीं डालते ना तो इसके अंदर मूली भी डाल सकते थे, और गार्निश में ताजी वाली गोन चिली को इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। और मेरी फेवरेट गार्निश जो कभी भी फेल नहीं होती, धनिया। स्प्रिंग अनियन, That must be Mrs. Sardesai. बहुत अच्छा। Yeah? सब कुछ ठीक है। मेरे को दूसरा भी है, ब्रेड फ्रूट भी बनाया मैंने, मेरे को दे दो। बनाया, पास हो गया मैं। पास। अच्छा अभी आप ये बताओ कि एक तो मैंने मोइरा बनाना सोख कर रखा है ना, तो उसको तो मैं डाल देता हूँ आपका वो जो मोइरा बनाना हलवा है ना, वो मेरे को बनाना है। दूसरा मैं सोच रहा था 700 बनाऊं। 700। तो अब आप आ गए हो तो मैं बनाऊंगी। हैं? नाइस, मैं लेके आता सामान। ये रहे आम, है ना, यहाँ रख देता हूँ, पहले इसको चढ़ा देता हूँ मैं। हाँ। ये ठीक है ना, देखो शुगर में सोख उसको। ठीक है। हाँ? हाँ? अच्छा ये हो गया, और मैंने सरसों का पेस्ट बनाया हुआ है ये। हाँ? इसमें रेड चिली, कोकोनट, कोकोनट और सरसों और राई, है ना। अभी क्या कर रहा है? बिना तेल से स्प्लटर किया है। हाँ,
ऐसे हल्का सा भुना है उसको, बगैर तेल के भुना है, उसके बाद सब कुछ मिला के पेस्ट बना। अभी मैं क्या करूँ? अभी मुझे पील करना मांगता है। अच्छा, इसके ऊपर तड़का डालना है क्या? नहीं, इसके ऊपर नहीं तड़का नहीं। मतलब अभी ज्यादा बेस्ट टेस्ट है कि इसको दो तीन घंटे रखेंगे तो टेस्ट और आएगा? शुगर ये लो, वो सॉल्ट, ये शुगर और डालिए। बस। अच्छा, अभी ये शुगर डालिए। डालो सारा। और पानी हाथ से मिक्स करो ना। हाँ, ले पूछने वाली बात है, सारा प्यार तो हाथों से आता है। एक जर्मन शेफ होता जिसके साथ मैं काम करता था, तो वो कहता था कि तुम लोग इंडियन शेफ हो, लेकिन जब तुम लोग ग्लव्स पहनते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि तुम लोग की फिलॉसफी में लिखा हुआ है कि टेस्ट हाथ से आता है, और तुम ही लोग ग्लव पहन के काम करते। बड़ा गुस्सा आता था उसको। टेस्ट करेंगे ना? ऑफ कोर्स टेस्ट करेंगे। डन। सरसों का बहुत अच्छा है। शुगर, शक्कर और नमक जिसने भी डाला है बिल्कुल बराबर डाला है। अच्छा, अभी घी डाल दो इसमें, बहुत सारा डाल दो। ये देखा, ये अच्छी बात करी आपने, लोग मेरी बात ही नहीं मानते। मैं बोलता हूँ बहुत है, थोड़ा सा डाल। नहीं नहीं, बस थोड़ा सा। नहीं जा, इलायची पाउडर या अभी डाल दो। मिक्स करूँ बंद कर दूँ गैस? मिक्स करूँ और बंद। We'll take this out. Nice. Now it's becoming transparent, huh? Slowly. Nice. Thoda aur dal dete. Perfect. Ye ho gaya sarson. Ye ho gaya moira banana halwa. अब वो आप खाओ, है ना, और ये मैं खाता हूँ। मैं आपकी सच्ची सच्ची वाली तारीफ करता हूँ और आप मेरी झूठी झूठी वाली तारीफ। वो 10 सरस्वत ब्राह्मण फैमिलीज जिन्होंने सिर्फ गोवा ही नहीं बसाया बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक बढ़िया सा खाना दिया, सरस्वत ब्राह्मण फूड। कहीं पे भी किसी भी गोंड सरस्वत घर में जाएंगे तो ये जरूर मिलेगा कि बहुत सारा खाना होगा और बहुत सारी बातें होंगी। देयर विल बी जॉय ऑन द टेबल, और मकसद तो वही है ना खाने का, जॉय ऑन द टेबल। Thank you so much.